हेलो स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर रीजनिंग का बेन डायग्राम को लेकर चलेंगे, जिसमें आपका टॉपिक दिया होगा अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना। काफी सरल चैप्टर है, लेकिन समझने की देर है। अगर एक बार समझ गए तो आसानी से इन अंकों के सवालों को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे किस प्रकार का क्वेश्चंस आता है इसमें बता दूं। जैसे इसमें क्वेश्चन है, संलग्न वैकल्पिक चित्रों में से कौन सा ऐसा है जो नियोक्ताओं, डॉक्टरों तथा महिलाओं के संबंध में ठीक प्रकार से प्रकट करता है। माने इन चित्रों में आपको बताना है नियोक्ता डॉक्टर और महिलाओं को सही ढंग से प्रदर्शित कौन कर रहा है। तो अगर मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूं, अगर इस चित्र को आप करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नियोक्ता डॉक्टर को, मतलब इसके अंतर्गत आ जाएगा, माने यहाँ पर एक गोला माने डॉक्टर बना दिए, यहाँ पर गोला कर दिए नियोक्ता बना दिए, और यहाँ पर एक और अलग बना दिए माने महिला बना दिए। अगर ऐसा अगर आप सोच रहे हो, इसका मतलब है कि महिला डॉक्टर नहीं हो सकती, महिला नियोक्ता नहीं हो सकती, और डॉक्टर महिला नहीं हो सकती, नियोक्ता महिला नहीं हो सकती, इसका अर्थ ये हो जाता है। ये वाला चित्र को अगर हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर नियोक्ता बना दिया, यहाँ पर डॉक्टर बना दिया, यहाँ पर महिला बना दिया, तो इसका मतलब हो गया जो महिला अगर है तो यो नियोक्ता नहीं हो सकती, और जो डॉक्टर है थोड़ा सा नियोक्ता हो सकता, थोड़ा सा महिला हो सकता, बाकी हो सकता है, लेकिन नियोक्ता महिला जो नियोक्ता नहीं हो सकती, नियोक्ता महिला नहीं हो सकती, इसका अर्थ ये हो जाता है। अगर मैं सी वाला आंसर को लेता हूं, मैंने इस प्रकार इसको मैं नियोक्ता बना दिया, एन कर दिया, अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे करके मैंने डॉक्टर बना दिया, यहाँ पर डी कह दिया, और यहीं पर मैंने इस प्रकार बना के मैंने इसको एम कर दिया, महिला बना दिया, तो ये उपयुक्त नजर आता है कि कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती और नियोक्ता भी हो सकती, कुछ नियोक्ताएं महिलाएं भी हो सकती और डॉक्टर भी हो सकती, कुछ डॉक्टर नियोक्ता भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, और बाकी पुरुष भी हो सकते हैं, जैसा भी है। तो ये जो आपका आंसर ना, इसका सी आंसर ऐसे हम लोग वो करेंगे, इसका संबंध देखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। इसमें भी देखो चित्र में प्रश्नानुसार बेन आरे इस प्रकार होगा, मैंने सी उत्तर, यहाँ पर नियोक्ता, यहाँ पर डॉक्टर, यहाँ पर महिलाएं, मैंने कोई भी आपस में हो सकते हैं, इसी प्रकार का आपको तर्क करना है। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न आरेख में, आप यहाँ पर देखोगे आरेख बनाएगा, निम्न आरेख में वृत्त मैने ये गोला वाला बात कर रहा है, ये वृत्त क्रिकेट खिलाड़ी को, त्रिभुज ये वाले बात कर रहा है, ये त्रिभुज हॉकी खिलाड़ी को, और वर्ग इसको कह रहा है, ये वर्ग फुटबॉल खिलाड़ियों को निरूपित करता है। फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले कितने हैं आपको बताना है, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने हैं। तो अपने को फुटबॉल और हॉकी अगर खेलने वाले हैं तो जो क्रिकेट खेलते हैं उसको हटा देना पड़ेगा। अगर वृत्त क्रिकेट खेलते हैं, मैंने ये वाला जो वृत्त है इसमें जितने लोग आते हैं ये नहीं आएंगे, तो ये वाला तो हट गया। अब अपने पास दो बच गए, क्या ये वाला आ जाता है जो हॉकी भी खेल रहा है, हॉकी भी क्या फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी, तो ये वाला और ये वाला। अब बीच में देखेंगे दोनों बीच में कौन सा आता है, ये चार नंबर आता है, ये केवल फुटबॉल खेल रहे हैं और ये केवल हॉकी खेल रहा है, मतलब यहाँ पर चार नंबर वाला आ जाता है, तो आंसर आपका डी आएगा, चार। चलिए कुछ और हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता जानवर पालतू के बीच संबंध को दर्शाती है, कुत्ता जानवर। अब इसको मैं अपने चित्र बनाने लगूं तो अगर मैं इसमें छोटा सा अंक अगर कुत्ता बना दिया, अगर इसको मैं कुत्ता बना दिया तो कुत्ता वास्तव में क्या है, एक जानवर ही तो है, मैंने कुत्ता किसके अंतर्गत, जानवर के अंतर्गत आएगा, कुत्ता जानवर और पालतू। अब कुत्ता पालतू भी होता है तो पालतू लोग जानवर भी होते हैं, तो मतलब मेरे पास एक डायग्राम और ऐसे बना देना पड़ेगा मेरे को जिसमें मैं पालतू कह सकता हूं, मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि जो पालतू है और कुत्ता है, जानवर है, कुत्ता पालतू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा डायग्राम अगर मैं खोजने करूं तो ये वाला डायग्राम मेरे को नजर आएगा, ये अपना ऊपर वाला जो ये वाला दिखा रहा है ये जानवर, और जानवर में ये कुत्ता और ये पालतू, कुछ पालतू कुत्ते हैं, ठीक है, कुछ पालतू कुत्ते हैं, बाकी और पालतू हो सकते हैं, और कुछ जो कुत्ते हैं ये पालतू है, और सब के सब क्या है, जानवर है। तो सही आंसर इसका सी निरूपित करेगा। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सी आकृति घोड़ों, तोतों और पक्षियों के बीच संबंधों को भली भांति दर्शाती है। साफ स्पष्ट है घोड़ा एक अलग प्रजाति का है, एक अलग झुंड बनाएगा। तोता और पक्षी, तोता किसके अंतर्गत आता है, पक्षी के अंतर्गत आता है, मतलब पक्षी का एक बड़ा मैं बनाऊंगा और तोता इसके अंदर बनाऊंगा, क्योंकि तोता एक पक्षी है। ये वाला डायग्राम अगर मेरे को देखने को मिले, ये वाला बी आंसर आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर मेरा आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी को संबंध को दर्शाती है। अब इसमें भी अगर मैं तर्क करने चलूंगा, भवन निर्माण सामग्री, अगर मैं भवन निर्माण सामग्री को मैं बड़ा कर लू, यहाँ पर बड़ा गोला बना लू भवन निर्माण सामग्री, तो सीमेंट भी उसी के अंदर आता है और लकड़ी भी उसी के अंदर आता है, लेकिन सीमेंट लकड़ी नहीं और लकड़ी सीमेंट नहीं है, दोनों भवन सामग्री है और ऐसा डायग्राम मेरे को बी ही नजर आता है, तो आंसर सही आंसर इसका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नागरिकों शिक्षित और लोगों के बीच का संबंध दर्शाती है, चाहे शिक्षित है चाहे लोग हो, है तो नागरिक ना, इसमें भी ठीक इसी प्रकार का चित्र आएगा, एक बड़ा गोला आएगा, इसमें शिक्षित और नागरिक नागरिक का आ जाएगा, शिक्षित और लोग पब्लिक में ही, ये पब्लिक में ही कुछ पब्लिक शिक्षित होंगे और कुछ पब्लिक अशिक्षित होंगे, यहाँ पर तो इस प्रकार का डायग्राम होगा कि कुछ जो शिक्षित है यहाँ पर शिक्षित लोगों के बीच, यहाँ पर यह डायग्राम नजर आएगा कि आकृति नागरिकों, नागरिक तो सब है लेकिन सब नागरिक क्या है, शिक्षित नहीं है, नागरिक तो यहाँ पर नागरिक हमने बनाया, आकृति ये पूरा नागरिक के लिए दिए, अब लोग बना दिए, इसको मैंने लोग बना दिया और इसको मैंने शिक्षित बना दिया, तो एक चीज है, तो यहाँ पर चीज अपने पास आ जाएगा, कुछ शिक्षित शिक्षित है और कुछ क्या है अशिक्षित है, और लोग है पब्लिक में, तो इस प्रकार का हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गौरायों पक्षियों और चूहों के बीच संबंध को भली दर्शाती है। देखो फिर वही वाले चित्र, गौराया और पक्षी, पक्षी के अंतर्गत ही गौराया आ जाएगा, मतलब ये हो गया मेरा बड़ा आकृति, ये हो गया सिंपल सा पक्षी आ गया, पक्षी के अंतर्गत गौराया आता है, इसके अंदर वाला आकृति आएगा, और चूहा तो एक अलग प्रजाति, ऐसा ये चित्र का मैं खोजूंगा, ये चित्र मेरे को ये वाला मिलता है सी, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका सी, देख रहे हो वीडियो आसानी से बनता है, बिल्कुल यहाँ पर देखोगे आसानी से इसका नंबर आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य चंद्रमा और तारे के बीच संबंध को निरूपित करता है। तो एक चीज याद रखना, सूर्य एक तारा है, मतलब एक ऐसा है सूर्य एक तारा, मैंने सूर्य किसके अंतर्गत आएगा, तारा के अंतर्गत आएगा, और चंद्रमा क्या है एक उपग्रह है, तो मेरे पास जो ऐसा स्थान पर है ये मान लो तारा बना दिया, और मेरे को अच्छी तरह से मान लो सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, सूर्य को मैंने अंदर बना दिया, चंद्रमा चूंकि उपग्रह है यहाँ पर तो मैंने उपग्रह बना दिया, ये ड्रेस मेरे को डी देखने को मिलता है, तो आसानी से आप लगाओगे डी आंसर लगाओगे। और हम वेन डायग्राम आपका प्रैक्टिस करवा देते हैं, यहाँ पर कौन सा आरेख मानव, ध्यान देकर, मानव प्राणियों शिक्षकों और स्नातकों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। माने कौन सा आरेख मानव प्राणियों शिक्षक स्नातक, अब मानव प्राणी के अंतर्गत ही शिक्षक और स्नातक आते हैं, मतलब एक बड़ा हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, यहाँ पर तो ये हो जाएगा मानव प्राणी हो जाएगा, इसी के अंतर्गत मेरे को शिक्षक बनाना पड़ेगा, इसी के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षक ही तो स्नातक होते, कुछ शिक्षक हो सकते 12वीं पास हो, कुछ शिक्षक होते हैं स्नातक हो, तो यहाँ पर मेरे को इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलेगा, यह जरूरी नहीं कि हर शिक्षक स्नातक ही हो, यहाँ पर तो कुछ शिक्षक स्नातक होंगे कुछ स्नातक शिक्षक होंगे, तो इस प्रकार का डायग्राम मेरे को ए आंसर में ही मिल पाता है। यह आरेख पहचाने जो अनपढ़ों निर्धन लोगों और बेरोजगारों के संबंध को निरूपित करता है। अनपढ़, अगर आप अनपढ़ है तो भैया निर्धन भी हो सकते हो, ठीक है, अनपढ़ है तो कुछ निर्धन अनपढ़ होंगे कुछ अनपढ़ निर्धन होंगे, और दोनों है तो भाई क्यों निर्धन हो, क्योंकि आप बेरोजगार, कुछ बेरोजगार निर्धन भी होंगे अनपढ़ भी होंगे, ठीक है, कुछ अनपढ़ इसमें हो जाएगा अनपढ़ निर्धन भी होंगे बेरोजगार भी होंगे, कुछ निर्धन अनपढ़ भी होंगे और बेरोजगार भी होंगे, तो इस प्रकार का संबंध मेरे को बी आंसर में ही नजर आता है, तो इसका सही जो आंसर होगा चित्रांकन वो बी होगा। चलिए यहां पर भी एक दूसरा टाइप का हम लोग यहां पर देखते हैं, इसमें हमको खोजना है क्या बोला था, निम्नलिखित आरेख में कौन सा संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। याद रखना रोजगार, अब यहाँ पर ये जो त्रिभुज बताया ये महिला है, ये वाला चौकोन जो आयत बताया रोजगार, और ये बोला डॉक्टर। अब मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित आरेख में कौन सा संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है, मतलब ये वाला जितना आ रहा है रोजगार में आ रहा है ये हमारे पास नहीं आना चाहिए, ये वाले तो भाई कट हो गए क्योंकि रोजगार में नहीं होना चाहिए,
ऊपर से महिला होना चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए। तो महिला ये वाला तो कट गया, अब नौ वाला केवल महिला है, डॉक्टर नहीं है। तो यहां पर जो बचता है केवल मेरा सात बचता है, ये वाला नंबर जो कि डॉक्टर के अंतर्गत भी आता है और महिला के भी अंतर्गत आता है और रोजगार इसके पास नहीं है, तो ये सात नंबर आएगा, तो मतलब ए आंसर यहां पर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और यहां पर देख लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी संख्या ऐसे अच्छे वक्ता को दर्शाती है जो न पोस्ट ग्रेजुएट है और न ही डॉक्टर है। मतलब यहां पर एल अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो ये वाले दायरे के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए, मतलब ये वाला जो नीला वाला दिख रहा है इसके अंतर्गत वो लेडीज नहीं आना चाहिए। इनमें से कौन सी संख्या ऐसे अच्छे वक्ता दर्शाती जो न पोस्ट ग्रेजुएट है और न ही डॉक्टर है। तो एल जो है, एल अच्छे वक्ता, अच्छे मुझसे गलती हो रहा, अच्छे वक्ता पूछा, सॉरी, इसमें यह था कि इनमें से कौन सी संख्या अच्छे वक्ता को दर्शाती जो ना पोस्ट ग्रेजुएट है और ना ही डॉक्टर है। मैंने डॉक्टर नहीं होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। एल अच्छे वक्ता है, एम पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किसको दिखा रहा है, एम, मैंने ये वाला पूरा कट जाएगा भाग, एम वाला पूरा कट जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट वो नहीं होनी चाहिए, वक्ता बस होनी चाहिए और एंड डॉक्टर भी नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर को भी अगर मैं इसको काट दूं तो बचा क्या, ये दोनों अगर कट गया तो बचा केवल एक है, इसका आंसर सिंपल सा एक होगा। एक और चलते हैं लास्ट में और इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार नीचे देखे बेन आरिख में वृत्त, जो वृत्तमाला है ये महिला को, त्रिभुज जो है डॉक्टर को तथा वर्ग जो है विवाहिता को प्रदर्शित करता है। तो कौन सी संख्या से महिला डॉक्टर परंतु विवाहिता नहीं को बोध करता है, मतलब महिला हो और डॉक्टर हो, महिला डॉक्टर परंतु विवाहिता नहीं। तो सबसे पहले विवाहिता को हम उड़ा देते हैं, मैंने ये वाला जो भाग है विवाहिता वाला, अगर इसको हटा देता हूं तो ये वाला भाग तो आएगा नहीं। अब बोलता है कि भैया वो महिला भी होनी चाहिए और डॉक्टर भी होनी चाहिए। अब यहां पर डॉक्टर, यहां पर देखा महिला डॉक्टर परंतु विवाहिता ना हो, विवाहिता तो पहले ही कट कर दिया मैं यहां पर चीजों में। अब बोलती है तो महिला डॉक्टर परंतु विवाहिता, महिला भी होनी चाहिए और डॉक्टर भी होनी चाहिए। तो ये तीन तो केवल महिला को दर्शाता है और ये केवल एक डॉक्टर को दर्शाता है। महिला और डॉक्टर केवल ये दो वाला को दर्शाता है कि महिला भी है और डॉक्टर भी है। इसका आंसर बी होगा, अर्थात दो होगा। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।